नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज टीवी न्यूज। दर्शकों, जनता की आवाज टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं भिवंडी की कुछ खास खबरों। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका वार्ड क्रमांक 22 की एक अनोखी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये हम आपको बता दें कि यहाँ अगर राजनीति करने को कहा जाए तो सभी नेता सामने आकर के शुरू कर देते हैं कि यह काम इन्होंने किया और यह काम उन्होंने किया। पर तस्वीर कुछ यूं बयां कर रही है कि फेने गांव की सड़कें खंडर में तब्दील हो चुकी है। जिस रास्ते पर चार स्कूल हो और हमारे नेताओं की गाड़ी 5 साल में एक बार सिर्फ घूमने निकले तो उन्हें यहाँ की तकलीफ कैसे पता चलेगी। पर आज स्कूल के बच्चे सड़क पर बह रहे गंदे पानी जो कि गटर का है वहाँ से गुजरते हैं। गंदगी की साम्राज्य है वार्ड क्रमांक 22 में। मनपा के इस लापरवाही के कारण साथ ही 3 नगर सेवक, एक जो कि शिवसेना का, दूसरा भारतीय जनता पार्टी का, तीसरा आघाड़ी, तीनों में मिलकर खिचड़ी बनाई बन चुकी है। अब तो होना क्या है, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। जी हाँ, इसलिए कहा जा रहा है कि काम करने के लिए कोई नहीं आता, पर राजनीति करनी हो तो छक्के लगाने कोई नहीं चूकता। जय हो नेता, जय हो मनपा। विनाश हो रहा है समाज का। इन पंखियों के साथ में हम आपको वार्ड क्रमांक 22 का दृश्य दर्शाने जा रहे हैं, जहां पर बड़ी बात यह है कि देश की भविष्य नन्हे मुन्ने विद्यार्थी अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्कूल के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें किस तरह गंदगी का सामना करना पड़ता है वो हम आपको दृश्य दर्शा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आइए देखते हैं क्या कहना है विभिन्न समस्याओं को लेकर स्थानिकों का। भाई, समस्या फेना गांव में समस्या नहीं, समस्या का अंबार है। हर तरह समस्या ही समस्या है। करीब उसमें से कुछ समस्याएं हमने आपको दिखा दिया। चार चार स्कूल है, PEM स्कूल, बाबा स्कूल, सिस्टर निवेदिता स्कूल और काकटिया स्कूल। आप जहां पे खड़े हैं यहां पर भी पूरा गटर का पानी भर रहा है। गटर का पानी यहां पे भर रहा है। बाबा स्कूल के पास में संडास का पानी भर रहा है, उसकी भी आपने फोटो ली है। और ना तो यहाँ पे कभी झाड़ू लगती है, ना गटर की सफाई होती है, और ये गटर का पानी ऊपर से बह रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 2-3 बार नगर सेवक को, जो कि पूर्व महापौर है, उनको भी जाके हमने 2-3 बार बोले कि भाई ये समस्या है, इसके ऊपर कुछ करो, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। रूपेश महात्रे जी साल भर पहले आए थे इस रोड को बनाने के लिए, बोले हम अपनी निधि से अकेला करके बनाएंगे। साल भर हो गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आप भी आए हैं तो सूखे मौसम में आए हैं, बरसात में आते हो तो शायद है कि आप यहाँ पर चुगने पर पानी में खड़े रहते। ये समस्या यहाँ पे है, तमाम समस्याएं हैं। समस्या कोई हल नहीं कर रहा है, सिर्फ अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। बच्चे लोग आ रहे हैं, उनके ऊपर संडास का पानी जा रहा है। भी बाबा स्कूल के पास जो आप देखे, वहाँ पर तो आज भी संडास का पानी ऊपर से बहता है। कोई भी सुबह में आदमी जाता है, बच्चे जाते हैं, बाइक आती है, छिट्टा मारते हैं, ऊपर जाती है। और आज तक 18-20 साल पहले स्वर्गीय यशवंत चौधरी जी ने जो कुछ फेना गांव में किया, उन्होंने ही किया है। बाकी आज तक जितने भी नगर सेवक आए हैं, किसी ने कुछ भी नहीं किया है। ना नगर सेवक, ना विधायक, ना खासदार, ना आमदार, किसी ने कुछ भी नहीं किया फेना गांव के लिए। 6 महीने की पीरियड में हमने कुछ नहीं किया। 3 महीने के बाद हमने जनता के बीच बीच में जा करके बैनर लगाया कि चुनाव के 60 दिन के बाद गटर की सफाई हुई क्या, गटर पे जालियां लगी क्या, पानी का फोर्स बढ़ा क्या। तो इसके लिए सभी नगर सेवक ने उसको पढ़ा, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। सिर्फ विरोधी पक्ष नेता श्याम अग्रवाल जी ने जो हमारा ये होर्डिंग देखा, तो उन्होंने सहानुभूति लेकर के एक मोर्चा निकाला। अरे सहानुभूति की क्या ज़रूरत है, आप इस वार्ड के नगर सेवक हैं, अगर आप झाड़ू मारने वाला है, झाड़ू मारने वाले को बोलोगे तो आके झाड़ू मार के जाएगा। गटर साफ करने वाला है, आप विरोधी पक्ष नेता है, आप इस वार्ड के नगर सेवक हैं, आप गटर साफ करने वाले को बोलोगे, गटर साफ करके जाएगा। लेकिन करना किसी को कुछ नहीं है, सिर्फ सहानुभूति है। सहानुभूति लेकर के मोर्चा लेके गए और उस मोर्चे का कुछ नहीं। काम कर रहे हैं अपने निजी खर्च से, ऐसा दिनेश पाटिल ने माना कि अपने वार्ड में जो भी है निजी खर्च से, हम जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे कि चैम्बर्स हो गए, लाइट्स हो गए, सब निजी खर्च से वो समस्याओं को हल करने का काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? कुछ कोई कुछ नहीं कर रहा है। अगर वो कुछ अपने निधि से, अपने पर्सनल निधि से कर रहे हैं तो बता दे,
बता दे कि हमने ये चंबर बदली किया है या हमने अपने निधि से ये गटर साफ कराया है या हमने अपने निधि से ये गटर बनवाया है। कोई कुछ नहीं कर रहा है आपके संवाददाता के सामने अपनी बड़ाई करने के लिए सिर्फ बड़बोलापन है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो क्या मांगनी है आपकी? हमारी मांगनी है गटर की सफाई होनी चाहिए, गटरों पर जालियाँ लगनी चाहिए, रोड की लाइट जलनी चाहिए और जो ये सड़क है करीब करीब एक साल पहले इसका उद्घाटन भी हो चुका है, ये सड़क बन जाए जिससे आम आदमी और यहाँ पे चार चार स्कूल के बच्चों को कोई समस्या ना हो, वो सूखे सूखे आए और सूखे सूखे अपने घर जाए। खुदा न खास्ता कभी कोई अनहोनी हो गई यहाँ तो कम, लेकिन बाबा स्कूल के सामने जो समस्या है उसमें कभी कोई बच्चा गिरेगा तो बहुत बड़ा बवाल होगा, बच्चा उसमें गिरेगा तो बाहर नहीं निकलेगा, 100% है। तो कभी ये समस्या जब बन जाएगी, जब अनहोनी हो जाएगी तब लोगों की आँख खुलेगी, जब तक अनहोनी नहीं हो रही है किसी का इस पर ध्यान नहीं है और हम अकेला चिल्ला के कुछ नहीं कर सकते हैं। ये समस्या है, तमाम समस्याएं हैं, समस्याओं ही समस्या है। अगर हम आपसे यह अनुरोध करेंगे कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप इस न्यूज़ को चलाइए जिससे नगर सेवक तक, महापौर तक और आयुक्त तक ये समस्या। जब यशवंत दादा था तभी ये यहाँ पे थोड़ा बहुत तो कुछ हुआ था, उसके बाद में जो भी आया अभी तक इधर कुछ परिवर्तन अभी तक हुआ नहीं। अब तक ये अपना ये पीछे के गटर भी है वैसे ही पड़ा हुआ है, पूरा भर जाता है, कोई साफ करने के लिए भी आते नहीं। यहाँ पे देख गड्ढा देखिए, यहाँ पे कोई, यहाँ पे बाजू में 2 स्कूल है, स्कूल के बच्चे भी यहाँ से आते हैं, कोई उसमें गिरे तो उसका उम्मीद ही नहीं है क्या होता है उनके। और वहाँ पे स्कूल के बाजू में कचरा डालते हैं वहाँ पे रोड के ऊपर, इधर कितनी बार बताया अभी फिर भी वहाँ पे कोई सुनते नहीं, वैसे ही डाल के जाते हैं। यहाँ के समस्या ऐसा है। नगर सेवक लोगों, आप लोगों ने शिकायत किया तो नगर सेवक क्या रिस्पॉन्स देता आपको? नगर सेवक से आपने इसकी शिकायत की क्या? नगर सेवक को मतलब जो बड़े लोग इधर के बड़े लोग हैं उन लोग जाके शिकायत किए तो उन लोग आके थोड़ा बहुत तो काम करके चले गए, तो थोड़ा साफ सफाई किए, थोड़ा ऐसे देखा, कल पूरा भरा हुआ था, अभी थोड़ा ठीक हो गया। अभी थोड़ा मतलब ऐसे काम करके जाते फिर वापस 3-4 दिन के बाद वापस भर जाते हैं, तो यहाँ पे बड़ा संडास वो सब बना के रखा हुआ है तो उसके वजह से ये पानी ज़्यादा हो रहा है, पूरा इधर मैदान में पूरा खिचड़ी है, पूरा संडास का पानी गिरा हुआ है पूरा बाहर आके सबके ऊपर गिर जाता है। गाड़ी आते जाते तो मैंने तो गाड़ी निकल जाता है, सबके ऊपर गिर जाता है पानी, इतना भर जाता है पूरा वहाँ से इधर पानी आके ना हालत खराब कर देता है पूरा। इसकी शिकायत आपने नगर पालिका या नगर सेवक स्थानीय नगर सेवक से की नहीं किया था। ये पीने को राधा कृष्णा कॉलोनी में करीबन 15 साल से ड्रेनेज के सिस्टम सही नहीं है, हम लोग कई बार जाके कंप्लेंट देके आया पर कोई सुनवाई नहीं करने वाला। इलेक्शन से पहले सब लोग बोलते थे वोट डालो, फिर डालने के बाद ये तो 25 साल से ऐसा ही है, हर बार मानसोवर से जीत के आते, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। क्या क्या समस्या आपको यहाँ पे? अभी मेन ड्रेनेज ही है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेकार है, यहाँ पे सिस्टम नहीं है, जो पूरा पानी कटर का पानी पड़ के पूरे रोड पे आ रहा है और संडास का जो सामने संडास बांधा है उसका भी कोई सुनने वाला नहीं है और पूरा संडास का पानी पूरा गटर में छोड़ रहा है। हर दिन में हम लोग जाकर कंप्लेंट देना पड़ रहा है, हर वो 2 दिन में आके साफ करेंगे तो थोड़ा हम लोग को दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे करीबन 3 से 4 स्कूल है, हर लोग का यही से आना जाना रहता है। अब इतना बड़ा खड्डा हो गया है वहाँ पर, कोई ना कोई उसमें गिर रहा है और इतना गंदा बास तो इतना गंदा मार रहा है कि बोलो मत, अगर कोई कड़ा होने का नहीं है तो कभी भी ज़बरदस्ती से आना जाना पड़ रहा है। नगर पालिका के पास इसकी शिकायत की क्या? हम लोगों ने वो 2-3 बार किए थे। तो क्या रिस्पॉन्स मिला आपको वहाँ से? बस खाली साफ करके देंगे बस उतने ही, कोई बार बांधकाम तो अभी तक हो ही नहीं रहे। दर्शकों आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।